हेलो एवरीवन, हम छाया मिश्रा आप सबका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी न्यू रेसिपी कि हम आज आपके लिए क्या लाए हैं। चलते हैं किचन की तरफ। एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। तो आज की हमारी ये रेसिपी, इसको टारकोस कहते हैं। इस नाश्ते का नाम टारकोस है। तो देखिए ये रेसिपी हमारी कैसे बनी है। और प्लीज़ अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिएगा। इतना हमें पक्का यकीन है कि अगर आप ये रेसिपी घर में बनाते हैं, ट्राई करते हैं, तो आपके घर वाले भी खुश होंगे, सारे बच्चे बड़े सब खुश होंगे। और हमारे चैनल को भी आप बिना सब्सक्राइब करे रह नहीं पाएंगे, इसलिए जरूर से जरूर बनाइए हमारी ये रेसिपी। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे बनी है। एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। देखिए हम आज बनाने जा रहे हैं एक अच्छा सा नाश्ता। तो आप नाम आपको लास्ट में बताएंगे इस नाश्ते का। तो ये देखिए हमने अपना एक कटोरी आटा ले लिया है और ये इतना टेस्टी नाश्ता है, इसको आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं। फिलहाल हमने ये आटे से बनाया है, आप चाहे तो मैदे से भी बना सकते हैं, ठीक है। ये देखिए अब इसमें हमने 3 स्पून अपना रिफाइंड ऑयल डाला है, आप घी भी लगा सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं। और अभी इसमें हम नमक ऐड करेंगे, ठीक है। ये देखिए 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट डाला हमने। देखिए आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ठीक है। और अब ये देखिए हम अपना मोयन अच्छे से मिला लेंगे, पानी से इसको मैश करेंगे, डो लगाएंगे इसका, ठीक है। ये देखिए ये हमारा हो चुका है। इसको हम नॉर्मल पानी से इसका थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें डो लगाना है, ना ज्यादा टाइट लगाना है डो, ना ज्यादा लूज लगाना है, बढ़िया से लगाना है। तो इसको हम लगाते हैं, फिर मिलते हैं। ये देखिए हमारा डो लग चुका है, ठीक है। अब इसको हम इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल जो होगा वो अपने हाथ पर लेंगे, ऐसे पूरे आटे में कवर कर देंगे ऐसे। और उसके बाद में हम 10 से 15 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे सेट होने के लिए। अब तक चलिए हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारे 3 से 4 आलू थे, ठीक है, अच्छे से बॉईल करके इनको हमने पोटैटो मैशर से मैश कर लिया है। और आप चाहें, जैसे आपके पास अगर पोटैटो मैशर नहीं है तो आप हाथ से फोड़ सकते हैं या कद्दूकस कर सकते हैं, बस इसमें लंच नहीं होने चाहिए, लंच होंगे तो हमारा अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से मैश करना है। और एक बार इस ये आलू जो है बिल्कुल ठंडे लें, क्योंकि अगर गर्म आलू लेंगे आप तो वो बिल्कुल गीले हो जाएंगे, तो कि हमें ये देखिए हमारा ऑयल हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे जीरा, ठीक है, 1/4 चम्मच, ठीक है। और अब इसमें हम डालेंगे हींग अपनी, ठीक है, 2 से 4 चुटकी, ये देखिए। और अब इसमें हम ये देखिए हमने प्याज लंबा लंबा काट रखा है, उसको भूनेंगे डाल के। इसमें डाल दिया, इसको चलाते हुए हल्का ब्राउन करना है बिल्कुल। डालेंगे हम अपना धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, बिल्कुल फ्लेम धीमी रखिएगा, और मिर्च अपने हिसाब से जितनी आप खाएं, ठीक है। और इसमें अब हम डालेंगे अपना ये चना के दाने, बच्चों के लिए बना रहे हैं, अब इनको हम बंद कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसको हम उसी बाउल में आलू वाला बैच बेटर है, इसमें हम अपना ये निकाल लेंगे। ये देखिए इनको हम ऐसे निकाल लेंगे, और ये जिसमें बचा हुआ मसाला इसको भी इसको अब हम इसमें आलू में हिला लेंगे, ठीक है। वो सब मिलाया उसके बाद में अपना ये पालक डालेंगे, बच्चों के हेल्थ के लिए है, ये उसी में फ्राई नहीं किया क्योंकि अगर फ्राई करते तो गीला हो जाता, तो इसमें डालेंगे। और अब डालेंगे अपना सॉल्ट, आटे में भी सॉल्ट डाला है इसलिए थोड़ा डालेंगे सॉल्ट को, ठीक है। देखिए भूनने को हम भून सकते थे उसमें, बट आलू हमारा गीला हो जाता है स्टफी, इस वजह से नहीं भूना है। अब इसमें डालेंगे ये देखिए, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा अपना सब्जी मसाला, ठीक है, ठीक है, 1/2 टेबल स्पून के करीब डाला है। और अब इसमें डालेंगे हम चाट मसाला, ये देखिए 1 टेबल स्पून। अब इसको हम हाथ से मिला लेंगे आपस में, ठीक है। ये देखिए हमारा हो गया है। अब इसको हम
कवर करके रख देंगे और चलते हैं आटे की तरफ, क्योंकि हमारा आटा भी हो चुका है तो उसको अलग हटाते हैं। अभी 15 मिनट हो चुका है, ये सेट हो चुका है अब हमारा, ठीक है। ये हमने सूखा आटा लिया है इसको लगाने के लिए। ये देखिए, इसे लेके इसको हम बराबर बराबर लोइयां इसकी तोड़ेंगे, ठीक है। तो हमारी एक कटोरी आटे से ये देखिए करीबन इतनी लोइयां बन के तैयार हो गई हैं, 6 लोइयां बन चुकी हैं, ठीक है। अब इनको हम रोल करके रोटी की तरह बेल लेंगे। ये देखिए ऐसे बेलेंगे गोल करके। अब थोड़ा सा आटे में ऐसे लोई को आटे में करेंगे, ठीक है, और ऐसे बेल लेंगे। ये देखिए इतनी थिकनेस की वो बेलनी है, इतनी मोटी, ठीक है, इससे ज्यादा ना मोटी होनी चाहिए नहीं पतली होनी चाहिए। अब इसको हम एक साइड में रख लेंगे, सारी बेल लेते हैं। ये देखिए सारी रोटियां हमारी बन के तैयार है, चलते हैं आगे दिखाते हैं आपको। ये देखिए हमने अपनी वही कढ़ाई ले ली है। ये देखिए अब इसमें हम डाल के सेक लेंगे, कच्चा पक्का हमें सेक, यहाँ ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं, इसको हमें कच्चा ही सेकना है, ठीक है। तो फुल फ्लेम पर जल्दी जल्दी पलटते हुए हमें इसको सेक लेना है, ठीक है। तो ये देखिए हमने पलट दिया। देखिए हमने जो मसाले उसमें ऐड किए थे अपने आलू में पोटैटो में, तो वही मसाले वही ऑयल जो था वही इस कढ़ाई में लग गया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए हमें इतना इसको पकाना है जो हमारे ये बबल्स आ जाए इस पर, ठीक है। उसके बाद हमको, क्योंकि इनको दोबारा डबल प्रोसेसिंग का काम करना है, इसलिए इसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब इनको निकालते हैं, अलग निकाल के रख लेंगे। ये देखिए ये हमने अलग निकाल के रख लिया, अब इसको हमें दोबारा पकाना है। ये देखिए दूसरा भी हमारा वैसे ही है, इसको भी हमने अच्छे से पलटते हुए ऐसे ऐसे पका लेना जब तक इसमें चिट्टियां ना पड़ जाए, ठीक है। तो ये सारे हम पका लेते हैं फिर मिलते हैं। ये देखिए हमारा सारा पक, ये सारे पक चुके हैं। अब अपना हम इसमें चटनी लगाएंगे और वो करेंगे भरे फिलिंग भरेंगे। ये देखिए ये हमारी होममेड चटनी है, ठीक है, जो कि हम इस पर लगाएंगे। आप इसकी जगह पर मेयोनीज अगर पसंद करते हैं, देखिए हम बच्चों के लिए बना रहे हैं इसलिए हमने मीठी चटनी लगाई है, तो धनिया वाली हरी चटनी जो मिक्सी में पीसी जाती है कच्ची, वो लगा सकते हैं, मेयोनीज लगा सकते हैं, जैम लगा सकते हैं और जेली भी लगा सकते हैं। ये सब चीजें लगा के आराम से करिए। देखिए ये हम एक बना के दिखा दे रहे हैं आपको, ठीक है। अब अपना हम इसमें बैटर लेंगे। ये देखिए हमने जो ग्रीन पालक डाला था वो कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और अब इसको हम इसमें फिलिंग भरेंगे। ये देखिए पूरी नहीं भरना है हमको, आधे में भर के ये देखिए हमारा भर गया फिलिंग, ये देखिए, ठीक है। तो अब इसको हम अच्छे से अलग रख लेंगे भर के। तो ये सारे हम भर लेते हैं फिर मिलते हैं। ये इसमें हमने अपना बटर डाला है, आप रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन हम बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बटर या घी में बनाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये हमने अपना बना लिया है, देखिए हो गया है। अब इसमें हम धीरे धीरे करके ये रखेंगे अपने, और दोनों जितने एक बार में आ रहे हैं उतने ही हमको रखने हैं, ठीक है। दो ही आते हैं तो दो ही दो, ये दो रख के हम इनको अच्छे से धीमी आंच पर धीमी फ्लेम पर इनको पकाएंगे दोनों तरफ, ठीक है। पकाते हैं देखिए, इस टाइम पर फ्लेम को बिल्कुल धीमा रखना है, ठीक है, ज्यादा तेज नहीं रखना है, बिल्कुल धीमा धीमा सेकना है। ये देखिए अब पलटते हैं इनको ताकि हम अपने दूसरे साइड भी इसको सेकने आसानी से आराम से धीरे धीरे पलटना। ये देखिए कितना अच्छा सा क्रिस्पी आया हुआ है, तो इनको ऐसे हम पलट लेंगे, ठीक है। देखिए इस तरह से निजाली पलट लिया है जिससे कि हमारे पसीजन है, क्योंकि इनको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। आप इनको हम अपना सर्व करेंगे। देखिए इतना सच बता रहे हैं, इतना अच्छे हैं, इतना टेस्टी हैं कि वाकई में अगर ये रेसिपी आप अगर घर में बनाएंगे बच्चों के मन को बिल्कुल भाने वाली है। तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। अगर ये वीडियो हमारी देखते हैं तो आपको इतना हमें पक्का यकीन है कि आप बिना सब्सक्राइब किए हुए हमारे चैनल को नहीं हटेंगे, तो इसलिए इसको देखिए घर में ट्राई करिए और आपके बच्चे भी खुश होने वाले हैं। आप इसमें वो सारे इंग्रेडिएंट डाल सकती हैं जो बच्चे हमारे नहीं खाते हैं, चाहे वो कोई भी, जैसे गोभी है और पालक है, किसी भी मौसम की सारी सब्जियां इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारी ये रेसिपी आपको कैसे लगी तो उसको भी बताइए आप कमेंट के थ्रू।
तो अगर ये पसंद आए तो प्लीज 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 सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए ये रेसिपीज लाते हैं। तो देखिए और हमें बताइए कि कैसी लगी है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।